हेलो एवरीवन वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स व्हिच इज़ अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट सब्जेक्ट एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ऑक्टल नंबर सिस्टम ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज़ अ रेडिक्स और बेस इक्वल्स टू एट एंड इट यूज एट डिजिटिट एट डिजिट एट डिजिट्स फ्रॉम जीरो टू सेवन तो जो इसका बेस या रेडिक्स होता है वो एट होता है जैसे बाइनरी का टू होता है डेसिमल का टेन होता है इसका एट होता है और इसमें जो डिजिट्स होती हैं वो जीरो से लेके सेवन तक होती हैं अब जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है ये डिजिटल सर्किट्स के अंदर बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है तो अगर कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है विच इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज नंबर सिस्टम इन डिजिटल सर्किट्स सो द आंसर इज ऑक्टल एंड द रीज़न इज फर्स्ट रीज़न इज इट कैन बी इजीली कन्वर्टिड टू बाइनरी तो जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है इट हैज इजी कन्वर्जन टू बाइनरी बहुत इजीली ये बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट होता है आगे हम देखेंगे कि कैसे होता है वो एंड सेकेंड देर आर सिग्निफिकेंटली फ्यूअर डिजिज फ्यूअर डिजिट्स इन एनी गिवन ऑक्टल नंबर देन इन द कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर तो जिसमें होता है इसमें फ्यूअर डिजिट्स होती हैं कम डिजिट्स होती हैं देन एनी गिवन बाइनरी नंबर सिस्टम सो दैट इज द रीजन बिकॉज वाई ऑक्टल नंबर सिस्टम इज फ्रिक्वेंटली यूज अब जैसे हम देखेंगे इसमें कि कैसे नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें कम होती हैं बाइनरी नंबर के मुकाबले में सबसे पहले देखते हैं कि आ, डिफरेंट डिफरेंट कन्वर्ज़न कौन कौन सी हमें पढ़नी है इसमें सबसे पहले आपको देखना है डेसीमल टू ऑक्टल कन्वर्जन अब सेम वही प्रोसीजर जैसे हमने बाइनरी के केस में किया था बट अब इसमें डिवाइड किससे करेंगे हम ऐट से क्योंकि जो आपका बेस है वो अब है एट और यहाँ पर आप साइड में रिमाइंडर लिख सकते हैं <coughs> तो जैसे अगर हम नाइन्टी वन को कन्वर्ट करना है एट से मैंने डिवाइड करना शुरू किया कितने से जाएगा आ, 11 से और रिमाइंडर बचेगा कितना हमारे पास नाइन्टी वन माइनस एट्टी एट डेट इज़ थ्री अगेन एट से जाएगा वन से जाएगा एट से करेंगे तो वन से जाएगा रिमाइंडर बचेगा आपके पास थ्री दोबारा एट से करेंगे ज़ीरो से जाएगा और रिमाइंडर बचेगा वन इसको अगेन आपको नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है इसका क्या मतलब है कि जो वन है आपका वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और जो ये थ्री है आपका ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है तो जो इसका कन्वर्जन बना वो क्या बना वन थ्री थ्री एंड द बेस इज एट तो ये था कन्वर्जन डेसिमल से ऑक्टल का जिसमें हमें डिवाइड करना है एट से और रिमाइंडर्स जितने भी आए हैं आपके उनको नीचे से ऊपर की तरफ लिख देना है अब देखते हैं ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन ऑक्टल या डेसिमल में करने के लिए हमें क्या करना होता है हमें उसके बेस को मल्टीप्लाई करना होता है तो अब देखिए वही करेंगे हम इसमें भी कैसे लिखेंगे इसे थ्री इंटू नाउ द बेस इज एट सो थ्री इंटू एट की पावर टू क्योंकि दो डिजिट्स हैं इसके पास प्लस सेवन इंटू एट की पावर वन प्लस टू इंटू एट की पावर ज़ीरो तो यही बना ये कितना आ गया ये आएगा आपका वन नाइन टू प्लस फिफ्टी सिक्स प्लस टू और अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा टू फिफ्टी तो थ्री सेवेंटी टू का जो डेसिमल बना वो बना हमारा टू फिफ्टी ठीक है नेक्स्ट इज ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन आई हैव सेड दैट द ऑक्टल सिस्टम इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन डिजिटल सर्किट्स द फर्स्ट रीजन इज इजी कन्वर्जन टू बाइनरी नाउ वी हैव टू सी दैट हाउ इट इज इजी टू कन्वर्ट अ ऑक्टल टू बाइनरी तो देखिए बाइनरी में करने के लिए आपको कुछ नहीं करना जितने भी इसकी डिजिट्स हैं इसको थ्री डिजिट्स एक बाइनरी उसके अंदर लिख देना आपको कि फोर का देखिए जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा वन ज़ीरो ज़ीरो सेवन का होगा वन 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 और टू का होगा ज़ीरो वन ज़ीरो तो इसका जो इक्विवेलेंट बाइनरी बनेगा वो बनेगा सिंपल वन ज़ीरो ज़ीरो वन 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 ज़ीरो वन ज़ीरो दैट इज़ द इक्विवेलेंट बाइनरी ऑफ ऑक्टल अब इसको याद करने के लिए कि फोर का सेवन का टू का कितना आ रहा है उसके लिए आप एक टेबल बना सकते हैं टेबल कैसे बनाते हैं देखिए हम इसमें बहुत सिंपल है ज़ीरो 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 रिप्रेजेंट ज़ीरो 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 वन रिप्रेजेंट्स वन ज़ीरो वन ज़ीरो रिप्रेजेंट्स टू ज़ीरो वन वन रिप्रेजेंट्स थ्री वन ज़ीरो ज़ीरो फोर वन ज़ीरो वन फाइव वन वन ज़ीरो इज सिक्स एंड वन 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 इज सेवन तो अगर आपको ये टेबल याद है और आप एग्ज़ाम में जाके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर इस टेबल को बना लेते हैं तो आप एकदम से विद इन सेकेंड्स आप इसका इक्विवेलेंट बाइनरी लिख सकते हैं और इसी में जो बाइनरी से ऑक्टल है वो भी बहुत इजीली हो जाता है अब इसमें हम सेकेंड का देखेंगे कि सेकेंड में कैसे कहते हैं अब इसके अंदर अगर आप डिजिट्स काउंट करें तो कितनी है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नाइन डिजिट्स से हम बाइनरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अब इसका अगर हमें ऑक्टल निकालना है तो कैसे करेंगे आप इसकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वहाँ से तीन तीन के पेयर्स बनाने हैं आपको एक पेयर ये बनेगा एक पेयर ये बनेगा एक पेयर ये बनेगा और हर तीन पेयर का इक्विवेलेंट आपको यहां पे ऑक्टल लिखना है ये बाइनरी है और ये ऑक्टल है तो देखिए जीरो वन जीरो का क्या है टू वन 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 का क्या है सेवन वन डबल जीरो का क्या है फोर तो ये आपका बन गया बाइनरी से ऑक्टल दैट इज फोर सेवन एंड अब इसमें क्वेश्चन जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि सपोज़ हमारे पास इधर एक डिजिट कम है जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ये वन वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो और इसको मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो तीन तीन के अगर मैं पेयर बनाता हूँ वन वन ज़ीरो ज़ीरो वन जीरो और यहाँ पर दो ही रह गई मेरे पास तो हम क्या करेंगे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसमें एक ज़ीरो ऐड कर देंगे क्योंकि ज़ीरो को ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके ओवरऑल नंबर के ऊपर तो अब ये बन गया जीरो वन वन अब अगर इसका आप लिखते हो तो क्या आएगा जीरो वन वन का कितना आएगा थ्री जीरो वन जीरो का टू और वन वन जीरो का सिक्स तो ये आपका आ जाएगा थ्री टू सिक्स अब आप देखिए कि बाइनरी में तो नाइन डिजिट्स हमने रिप्रेजेंट किया था ऑक्टल में कितने से किया थ्री से So, the second uh, advantage of using octal is also proved here that it requires fewer digits than binary equivalent number. So, this is about the octal number system how to convert a decimal to octal, octal to decimal, then octal to binary, and binary to octal. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more tutorials on digital electronics and other subjects. Thank you.